नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में ये जो सेशन चल रहा है, ये इंटरव्यू का सेशन चल रहा है। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने बेसिक्स इंटरव्यू बताए थे, और इसमें बताया था पालो ऑल्टो का L1 के जो इंटरव्यू होते हैं, मतलब L1 L2 लेवल के, मतलब ज्यादातर व्हाट इज, क्या क्या है क्या नहीं है, ये L1 या L2 टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस है फायरवॉल के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है एक प्रीवियस वीडियो में, प्लीज चेक कर लीजिए और थोड़ा पढ़िए। काफी लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी का बंदे मिलना मुश्किल है, अभी मिल ही नहीं रहे। तो नेट क्या था, डीनेट, ये डिटेल में भी हम लोग नेक्स्ट, मतलब ये जाएंगे जब L3 में जाएंगे इंटरव्यू के लेवल टॉप, तो उसमें सिनेरियो बेस हम लोग चेक करेंगे। हाउ टू क्रिएट न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी, ये भी मैंने बताया था, कुछ नहीं है आपको याद करके बताना है कि मैं आई एम गोइंग टू द पॉलिसी टैब, इन देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी, देन क्लिक ऐड, यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ओवर राइट का क्या मतलब है, ठीक है, क्लोन का मतलब इसी को, इसको क्लोन करना होता है, ठीक है, ये क्या है रिवर्ट, ठीक है, तो ओवर राइट किस लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये सब आपको पूछेगा। तो उसके बाद व्हाट इज यूज ऑफ ACC, ACC मॉनिटर के जो ACC है, ACC टैब में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो ये भी आपको पूछा गया। तो बेसिकली आप यू हैव टू आंसर दैट इन ACC मॉनिटर टैब वी कैन जेनरेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो आप बताइएगा कि थ्रेट रिपोर्ट्स, ब्लॉक रिपोर्ट्स, एंड वी कैन जेनरेट दिस लाइक एक्सेल शीट और PDF फॉर्मेट, लाइक मंथली, वीकली, आवरली, सो देयर इज सो मेनी टैब्स दैट वी कैन जेनरेट रिपोर्ट मैनुअली एज वेल, ठीक है, तो कस्टम रिपोर्ट वी कैन जेनरेट। सो ये आपको नॉर्मल आंसर देने से उसको पता चल जाएगा। आई यू कैन चेक लॉग्स इन पालो, तो यू जस्ट आस्क देम दैट आई एम गोइंग टू मॉनिटर एंड देन आई विल चेक द लॉग ट्रैफिक फास्ट, नॉर्मल के लिए ट्रैफिक, थ्रेट के लिए अलग, यूआरएल फिल्टरिंग के लिए अलग, ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए अलग, ठीक है, सो देर इज सो मेनी लॉग्स यू कैन सी इन द पालो ऑल्टो फायरवॉल, ठीक है, ग्लोबल। तो आपको पूछेगा कि अलग अलग आपको IPsec VPN के लिए कहाँ से, ये दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई कैन गेट द इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, यू कैन चेक द VPN लॉग। तो आप ट्रैफिक में भी चेक कर सकते हो, देन यहाँ पे टनल इंस्पेक्शन में भी चेक कर सकते हो, तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन उसको बता के देना है। ग्लोबल प्रोटेक्ट में देख सकते हो कहाँ से चेक करोगे, सिस्टम कॉन्फिगरेशन लॉग कहाँ से चेक करोगे, जन आपको ये बताना होगा कि क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। देखो यहाँ पे देखो ये ऑथेंटिकेशन जो हुआ है कि इसमें ऑथेंटिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन लॉग आता है कि ऑथेंटिक LDAP ऑथेंटिकेशन हुआ नहीं हुआ। कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख जाएगा कि सिस्टम ने जो किसी ने कॉन्फ़िगर किया है उसमें क्या कॉन्फ़िगर किया है, कमिट किसने किया है, तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ के रखना है, ठीक है, लॉग एरर टाइप ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा राउटिंग, राउटिंग कहाँ से आप ऐड करोगे, यहाँ पे नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे वर्चुअल राउट्स, ठीक है, तो आपको पूछ लेगा स्टैटिक राउटिंग के लिए क्या देना पड़ता है, तो आपको बताना कि सोर्स, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप में आप FQDN IP नेक्स्ट स्टॉप, तो ये एक बार स्टैटिक राउटेड AD वैल्यू क्या है पूछ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है, और एक चीज पूछ सकता है कि इफ यू हैव टू, ये L1 के लिए इफ यू हैव टू IP देन व्हाट यू हैव टू ISP देन हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउटिंग की जगह पे ये आएगा। इफ यू हैव TW और टू IP, हाउ यू कैन मैनेज दोज जो ये दोज, और हाउ जो हाउ यू कैन UNDERSTAND स्टैंड 10 ये गोज DOW एंड डाउन एंड एंड इंडियन OTH अदर AUTOMATICALL ऑटोमेटिकली COM अप। तो ये एक क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, मैं सिनेरियो में भी जाऊंगा, बहुत सारा होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो अगर इंटरनेट होता है, देखो यहाँ पे एक होता है ये पिंग, इसको आपको पाथ मॉनिटर इनेबल करना पड़ता है, ठीक है,
मैं डिटेल में जाऊंगा, स्टैटिक राउट क्या है, यहाँ पे OSPF BGP, देखिए ये सब आपको पूछेगा नहीं L1 में। अगर कोई उल्टा सीधा पूछ भी ले तो अगर आपको नहीं होता है देन यू कैन जस्ट इग्नोर इट, आई डिड नॉट नो, ठीक है, मतलब गलत आंसर मत दीजिएगा। ये हो गया। अच्छा टाइप ऑफ इंटरफेस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ इंटरफेस, देखिए इसी में 5-7 मिनट लग जाएगा। पालो ऑल्टो का सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेस, एक इंटरफेस पे आपको कितना टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है, तो आपको पहले बता रहा टाइप ऑफ इंटरफेस, अगर आपको है एकदम डायरेक्ट बोल रहा टैब मोड एचए, ठीक है, VOR L2 L3 और एग्रीगेटेड इंटरफेस। एग्रीगेटेड इंटरफेस के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि ये आपका सिर्फ फिजिकल बॉक्स में मिलता है, वर्चुअल बॉक्स में एग्रीगेटेड इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये L2 L3 एग्रीगेटेड सब इंटरफेस। देन व्हाट इज टैप मोड, ये पूछेगा, ठीक है, सिनेरियो दे सकता है, पूछ सकता है कि गिव यू एग्जांपल ऑफ टैप मोड का सिनेरियो, ये मैं सिनेरियो बेस में जब जाऊंगा तब बताऊंगा कैसे सिनेरियो बेस में टैप मोड क्या होगा। VR मोड का है क्या है, और इसका व्हाट इज द बिटवीन डिफरेंट बिटवीन टैप मोड VR मोड, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन L3 VR मोड, ठीक है। एच ए में सिर्फ एच ए के लिए काम होता है, L2 में हमारा ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब जो L2 स्विच का काम करता है। एग्रीगेटेड इंटरफेस किस लिए होता है, दो तीन इंटरफेस को मर्ज करके एक इंटरफेस क्रिएट होता है, ठीक है, उसमें जिसमें भी लगाओ उसको एक ही आईपी मिलेगा, लेकिन काम चार इंटरफेस करेगा। सब इंटरफेस कैसे क्रिएट होता है, सब इंटरफेस L3 इंटरफेस पे क्रिएट होता है, ठीक है, लेकिन L3 इंटरफेस में कोई आईपी नहीं होता, लेकिन सब सारे सब इंटरफेस में आईपी दिया जाता है, ठीक है। टैब मोड क्या है, ये व्हाट इज टैब MOD NPALO ALTO, ठीक है, ये आपको गूगल में ही मिल जाएगा, ऐसे मैं कुछ अपने दिमाग से निकाल के नहीं बता रहा हूँ। अरे 16 का देखो, व्हाट इज टैब मोड इन पालो ऑल्टो, ठीक है, ये हो गया आपका टैप मोड। अच्छा व्हाट इज VOR, सिर्फ VOR को कॉपी करो डाल दो तो ये भी दिख जाएगा। VOR वर्चुअल OR कहते हैं इसको, अगर आपको किसी ने बोला कि VOR क्या है आपको, आप पढ़ गए वर्चुअल OR, तो टेंशन मत लीजिएगा। L3 इंटरफेस इन पालो ऑल्टो, एग्रीगेटेड इंटरफेस इन पालो ऑल्टो, L3 इंटरफेस, जो L3 इंटरफेस उसमें सब काम होता है, L3 ही मेन इंटरफेस है जो आपको दिन भर यास करने के लिए यूज करने के लिए चाहिए होगा। एग्रीगेटेड इंटरफेस क्या होता है, देखो ये एग्रीगेटेड एक ग्रुप ऑफ इंटरफेस है, ठीक है, अगर आपको एग्रीगेटेड इंटरफेस नहीं पता, अब होता है सब इंटरफेस, देखो ये एग्रीगेटेड इंटरफेस। अब है सब इंटरफेस, तो पढ़ना इस हिसाब से होता है बाबू, सबको मैं बता रहा हूँ, जो भी है आप सभी को पढ़ोगे तो इस हिसाब से, सब इंटरफेस इन पालो ऑल्टो, सब इंटरफेस कैसे क्रिएट, गेटिंग स्टार्टेड विद सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, तो ये देखो सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करता है, ये इथरनेट में, मेन इथरनेट में कोई विलैन एक्सेस, विलैन क्रिएट कर कर करके देना होता है कॉन्फ़िगरेशन सब इंटरफेस, नहीं देखो इस इंटरफेस पे जाके आपके सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अच्छा लगा, ठीक है, तो इस हिसाब से सेव करके रखना कि गेटिंग सब इंटरफेस बाद में पता मिल जाएगा आपको, अगर जस्ट सब इंटरफेस, देखो सब इंटरफेस क्या होता है, ये सिनेरियो बेस में, ठीक है, इसमें ट्रंक करके देना होता है, ये विलन वन विलन टू, ठीक है, अब उसके बाद आप नीचे DMG बनाओ, जो बना बनाना है बनाओ, सब इंटरफेस क्रिएट कर लो, पॉलिसी बना दो। हम लोग ये सिनेरियो बेस पे जब करेंगे तब देखेंगे, इसके बाद सब इंटरफेस हो गया, और उसके बाद क्या, अच्छा अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेस लेवल पे यही क्वेश्चन आता है एज ऑफ नाउ। अब क्या होता है, आपको बोलेगा कि हाउ टू क्रिएट अ जोन, आपको बताना है गो टू नेटवर्क क्लिक ऑन इंटरफेस क्रिएट न्यू, यहाँ पे आपको टाइप सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो आप उस टाइप को L3 करोगे तो L3 इंटरफेस यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। हाउ यू कैन क्रिएट अ जोन, ये क्वेश्चन भी L1 L2 में खुद है। हाउ टू सी ये हो गया आपका एक, ठीक है, अच्छा जोन के बाद VR, अच्छा VR हो गया,
आईपी से वीपीएन का मैं अलग से सेशन बनाऊंगा, वीपीएन का पूरा, वीपीएन का यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको पूछेगा। अच्छा, इसके बाद आपको पॉलिसी टैब में नेट हो गया, क्यूएस पॉलिसी, हाँ पीबीए पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग क्या होता है ये पूछेगा बहुत जा। क्यूएस क्या होता है, व्हाट इज क्यूएस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेस, आप इसको यू हैव टू जस्ट आंसर क्यूएस इज यूजिंग बेसिकली यूजिंग सॉरी थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, क्यूएस इज बेसिकली यूजिंग फॉर मैनेज योर बैंडविथ, ठीक है। व्हाट इज QoS, देखो QoS बैंडविड्थ मैनेजमेंट का काम करता है और कुछ नहीं है भाई। अगर आप QoS पूछो, देखो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये यूजेस मेकिंग टेक्नोलॉजी टू वर्क नेटवर्क करेक्ट टू ट्रैफिक एंड एंश्योर QoS इन पी ए एल ए एल टी पालो ऑल्टो। देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस ये बैंडविड्थ मेजरमेंट का काम करता है, तो अगर आप यही एकदम डायरेक्टली बता दो कि भाई इट इज यूजिंग फॉर बैंडविड्थ मैनेजमेंट, तो आपको वो 10/10 ज्यादा पूछेगा नहीं। हाँ पीवीएफ पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, अब जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाए हैं उसके ऊपर भी इन पालो ऑल्टो, देखिए पीबीएफ पालो ऑल्टो में ही उसको भी पता है पीबीएफ किस लिए यूज होता है। देखो पीबीएफ अलाउ यू टू ओवरराइड द राउटिंग टेबल एंड स्पेसिफाई द आउटगोइंग और एज इग्रेस इंटरफेस बेस्ड ऑन द स्पेसिफाई पैरामीटर सच एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। तो आप जो राउटिंग कर रहे हो उसके ऊपर ही ओवरराइड करके, मतलब इसका प्रायोरिटी पहले है जो आपने बनाया कि भाई मेरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यूज होगा, वो कह रहे नहीं उससे भी पहले अगर आपने प्रीवियस देखे क्या दिया है, इसमें भी सेम ही है, सोर्स एड्रेस सोर्स जोन सोर्स एड्रेस सोर्स यूज आप दे सकते हैं, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन एड्रेस एप्लीकेशन और सर्विस और फॉरवर्डिंग, ठीक है। एक्शन में देखो क्या क्या है, फॉरवर्ड डिस्कार्ड फॉरवर्ड करना है, ठीक है, कौन सा इंटरफेस से करना है, आप कोई ऐसी स्पेसिफाई इंटरफेस दे रहे हो कि भाई मुझे इसी इंटरफेस के इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, आप यहाँ से बता रहे हो कि एफ क्यू डी एन होगा या बोल रहे हो कि आईपी होगा, तो वो उस आईपी से जाएगा, ठीक है। हमारा स्टैटिक रूट पड़ा है उसके ऊपर भी अगर कुछ आप देना चाहते हो तो इस हिसाब से आप इसको पीवीएफ दे सकते हो, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्ड पॉलिसी पीवीआर होता है ये आपका राउटर में। हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूछा, व्हाट इज पीवीआर, ठीक है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ठीक है। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में और फायरवॉल में ये मुझे पूछा गया था, व्हाट इज द यूज ऑफ पीवीआर, पीवीआर इन नेटवर्क। देखिए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग अ टेक्निकल दैट फॉरवर्ड या राउटिंग डेटा पैकेट बेस्ड ऑन योर और पॉलिसी और फिल्टर, तो ये पीवीआर मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में, व्हाट इज द यूज ऑफ पीवीआर, पीवीआर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो ये हो गया, थोड़े ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या। अच्छा इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन L1 में पूछना नहीं चाहिए, हां एप्लीकेशन ओवरराइड का शायद कुछ पूछ ले, ठीक है। हाँ डॉस प्रोटेक्शन क्या है, डीडॉस क्या है, डॉस डीडॉस पूछ सकता है, व्हाट इज डी ओ एस डॉस, डी ओ एस डॉस डॉस डीडॉस, ये एक अटैक है, ये वन साइड से अटैक है मल्टीपल साइड से अटैक है, यही डॉस और डीडॉस का डिफरेंस है। ठंड लग गया, देखो बिटवीन डॉस एंड डीडॉस अटैक डेनियल ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस और डॉस अटैक सिंगल सिस्टम में है और डेनियल मल्टीपल सिस्टम से है, ठीक है। तो ये सब एकदम मतलब पूछेगा तो झट से आंसर देना, तो वो क्वेश्चन करने से भी सोचेगा कि भाई इसको ये करूं या सॉरी SD-WAN, व्हाट इज SD-WAN, व्हाट इज SD-WAN, ये भी आपको पूछेगा। तो
SD-WAN क्या है, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन वन कैसे काम करता है, ये मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो भी बनाया है कि SD-WAN क्या है, हाउ इट इज वर्क्स। SD-WAN के लिए FortiGate में एक टॉपिक है मेरा, अगर यूट्यूब चैनल में जाओगे तो यहाँ पे आपका SD-WAN का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जाना यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। उसके बाद ये न्यू व्यू प्लेलिस्ट, यहाँ पे SD-WAN का, इससे बेहतर SD-WAN का मुझे लगता नहीं है किसी ने दिखाया होगा, मैंने पूरा पब्लिक लाइव दिखाया है इसमें, सॉरी इससे बेहतर भी कोई दिखाया होगा लेकिन मैंने अच्छा दिखाया है। तो SD-WAN क्या है, दो इंटरनेट है, SD-WAN का डेफिनेशन आप पढ़िएगा, वो चेक कर लीजिएगा, मैं इसको लेन देन नहीं करने वाला हूँ। अच्छा ये मोटा मोटी यहाँ से हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, हाँ देखिए ये लोन में बोले आपको पूछेगा कि हाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो एड्रेस में जाके आपको, एड्रेस में जाके तीन ऑप्शंस, नेट मास्क, ठीक है, आईपी रेंज और FQDN कैसे आप क्रिएट करोगे, तो आप बताना कि आई एम जस्ट ट्राइंग चेंजिंग दोस टाइप्स एंड क्रिएट दोस। ग्रुप कैसे बनाओगे, ठीक है, आप हाउ कैन यू सर्च एप्लीकेशन, तो आपको बोलना बताना पड़ेगा एप्लीकेशन हम यहाँ से सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट में जाके एप्लीकेशन में। सर्विस कैसे क्रिएट करोगे, तो यहाँ से सर्विस क्रिएट होगा, हाउ कैन यू क्रिएट अ सर्विस, सर्विस ग्रुप, ठीक है। हीप्स आपको पूछेगा नहीं ये लोन L2 में, फिर भी अगर पूछता है कि आपका होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन डिटेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने कभी काम नहीं किया है इससे मुझे आइडिया नहीं है। हाँ और नेक्स्ट, अब एंटीवायरस क्या है, ये सिक्योरिटी प्रोफाइल सारे आपको पूछेंगे कि इस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि व्हाट सिक्योरिटी प्रोफाइल में क्या क्या है पालो ऑल्टो में, ये आपको पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा एंटीवायरस, एंटी स्पायर, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, यूआरएल फिल्टरिंग, ठीक है, उसके बाद डेटा फिल्टरिंग और वाइल्ड फायर, फाइल ब्लॉकिंग, जीओएस प्रोटेक्शन, तो ये आप रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि नाउ इफ आई एम गोइंग टू एंटी स्पायर, एंटी स्पायर में एक चीज है वो है, अब बताओ क्या है इसमें, है सिंक होल, डीएनएस सिंक सिग्नेचर, देखिए डीएनएस सिंक होल बोल के एक ऑप्शन है, अभी ये देखिए डीएनएस सिंक होल, व्हाट इज डीएनएस सिंक होल, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन 100%, ठीक है, ये L2 में भी पूछ सकता है, L3 में भी पूछ सकता है, लेकिन आपको देखना है L1 में भी पूछ सकता है डीएनएस सिंक होल, ये पालो ऑल्टो का एक फीचर है, वाला फीचर, ये क्या कहते हैं उसको, वही है जो भी है, मतलब बढ़िया फीचर है डीएनएस सिंक होल पालो ऑल्टो, ठीक है। देखो ये उसने डिटेल दे दिया, डीएनएस सिंक होल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इंफ्रा होस्ट इन्फेक्टेड होस्ट ऑन द प्रोटेक्टेड नेटवर्क यूजिंग डीएनएस ट्रैफिक इन सी सिचुएशन वायर अ फायरवॉल कैन नॉट सी द इन्फेक्टेड क्लाइंट डीएनएस क्वेरी, ठीक है, तो इसको पढ़िए डीएनएस सिंक होल क्या है। अच्छा ये हो गया, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, शायद आपको पूछेगा नहीं, फिर भी वल्नरेबिलिटी ना कुछ क्राइटेरियाज हैं वल्नरेबिलिटीज में, ठीक है, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐड आप करेंगे वल्नरेबिलिटीज में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो ऑल सिग्नेचर करोगे तो यहाँ पे आएगा कैसे करोगे रिमीडिएट, ठीक है, वर्क अराउंड क्या है, ऐड करोगे तो यहाँ पे ये नहीं, डिफॉल्ट कैटेगरी पूछ सकता है वल्नरेबिलिटी का, कैटेगरी क्या क्या है, ठीक है, ये देखो एसक्यूएल इंजेक्शन है, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये पूछेगा नहीं इतना, अगर L3 में आप हो और उनको चाहिए बॉटनेट ये सब, फिर शायद पूछ सकता है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि इतना डीप में मुझे कभी पूछा गया है। अच्छा उसके बाद है वल्नरेबिलिटी, सॉरी ये एंटी स्पायर में था, वल्नरेबिलिटी में, वल्नरेबिलिटी में जाओगे तो आपको देखो ये वल्नरेबिलिटी का टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी कि कितना कैटेगरी में वल्नरेबल होता है, अच्छा ब्रूट फोर्स, कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, कोड ऑफ कमांड इन एग्जीक्यूशन, डॉस, अच्छा एक्सप्लॉइट किट, इन्फो लीक, अच्छा ये इसका वीडियो मैंने बना के रखा है इसमें क्या क्या है, ठीक है एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा अब यूआरएल फिल्टरिंग, बेसिकली आपको आपको एक क्वेश्चन यूआरएल फिल्टरिंग से पूछा, हाउ यू कैन क्रिएट कस्टम यूआरएल, तो आपको बताना पड़ेगा हम कस्टम ऑब्जेक्ट में जाके यूआरएल कैटेगरी में हम एक यहाँ पे एक यूआरएल कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, तो उस कैटेगरी में हम मैनुअल कैटेगरी बना के यहाँ पे साइड ऐड करते जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया ट्विटर,
ठीक है, ट्विटर में एक बनाया, इसके ऊपर आप ऐड करो स्टार देके facebook.com जो आपको चाहिए। तो ये कस्टम यूआरएल आपका यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग में दिख जाएगा। देखिए मैंने बनाया है, ये देखो कस्टम यूआरएल यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से चार क्वेश्चन आएगा यूआरएल कैटेगरी से, अलाउ ब्लॉक कंटिन्यू ओवरहेड, इसका मतलब क्या है। ये चार क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसका वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज गो एंड चेक, इसका मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है सबको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फाइल ब्लॉकिंग। अब देखिए ये दो क्वेश्चन पालवाल्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज द फाइल ब्लॉकिंग एंड व्हाट इज डेटा फिल्टरिंग। तो इसको फाइल मतलब डॉट एक्सटेंशन, डेटा मतलब डेटा DLP, और फाइल ब्लॉकिंग मतलब ये जो है डॉट एक्सटेंशन है उसको आप अलाउ ब्लॉक कर सकते हो, और DLP और डेटा फिल्टरिंग आप क्या देना कि इट इज अ DLP, अगर आपने काम किया है DLP की तरफ आइडिया है देन यू कैन गो फॉर इट। अदर आप मुझे जैसे DLP पता नहीं है ज्यादा, मैं सिर्फ एक दो चीज पता है, तो आप डिनाई कर सकते हो कि सर मैंने काम नहीं किया, और फायरवॉल में मैंने देखा नहीं है कि कहीं पर DLP चलता है अभी तक। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूछेगा नहीं, आपसे काम नहीं कराएगा, अगर उनके पास है DLP का लाइसेंस और वो काम कराना चाहता है देन आपको करना पड़ेगा। तो ये पढ़ लीजिएगा फाइल ब्लॉकिंग और DLP। हाँ वाइल्ड फायर तो 100% पूछेगा, व्हाट इज वाइल्ड फायर, आप करना जीरो डे मैलवेयर ऐप प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वाइल्ड फायर यूज करते हैं, दिस इज अ सैंडबॉक्सिंग सॉल्यूशन। अब वाइल्ड फायर क्या काम करता है ये पालो ऑल्टो पढ़ोगे, और वाइल्ड फायर नहीं जानोगे तो थोड़ा देखो ये वाइल्ड फायर है, ठीक है। वाइल्ड फायर व्हाट इज वाइल्ड फायर, ये आधा घंटा भी कम पड़ जाता है कभी कभी। देखिए इंटरव्यू में लाखों करोड़ों क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको 15-20 क्वेश्चन पूछेगा, उसी में वो आइडिया लगा लेगा कि भाई आपको क्या आता है नहीं है। DLP और DDoS, DDoS प्रोटेक्शन में देखिए कभी पूछ सकते हैं उसमें क्या क्या है, सिंक फ्लड, यूडीपी फ्लड, आईसीएमपी फ्लड, ये बताना कि इसमें यूडीपी ट्राफिक इतना आता है तो इसी को हम लोग ब्लॉक करते हैं ये डॉस प्रोटेक्शन में, ठीक है। थोड़ा ग्रेनुअर लेवल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अब देखो और हाँ अब नेटवर्क में हो गया वर्चुअल और इंटरफेस जोन वीलैन क्रिएशन, ठीक है। QoS हो गया, LDAP हो गया, मैं VPN कट एकदम अलग टॉपिक बनाऊंगा, VPN यहाँ पे मैं हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा अब है डिवाइस इसके, हाँ यही हो जाएगा। और एक चीज देखिए एच ए में ये लास्ट है, एच ए में कर देता, उसके बाद और एक चीज एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ये पूछेगा कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ, ठीक है। ये एडमिन रोल का पूछ सकता है कि दो तरह का होता है एडमिन रोल, एक होता है आपका क्या मुझे, हाँ एक होता है डायनामिक और रोल बेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड रोल बेस। डायनामिक मतलब है डायनामिक, और रोल बेस किधर गया, अच्छा ये डायनामिक और रोल बेस। एडमिनिस्ट्रेटर टाइप इन पालो ऑल्टो देखो डायनामिक होगा और रोल बेस होगा, रोल बेस यू कैन कस्टमाइज, यू कैन क्रिएट अ प्रोफाइल, और डायनामिक में दिस इज ऑटोमेटिकली देयर इज अ फोर ऑप्शन, सुपर यूजर, रीड ओनली यूजर, डिवाइस एडमिन और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली। स्टार का मतलब क्या है ये मैंने वीडियो बनाया है, जो पालो ऑल्टो पढ़े हैं मेरे सेशन में उसको पता है इस चारों का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का, तो ये चार देख लीजिएगा। और रोल बेस एडमिन में आपको यू कैन क्रिएट मैनुअल, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से बना हुआ है अगर जिसको चाहिए, ठीक है। वो एक बार प्रीवियस वीडियो चेक कर लें, अभी 5 मिनट है मेरे पास और मैं यही चीज में जाता हूँ। देखिए पहले आपको पूछेगा व्हाट इज एच ए कैसे काम करता है, हाउ टू कॉन्फिगर एच ए। तो आपको पहले जो एच ए का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एच ए में लास्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो एच ए में, अरे चचा किधर गए, हाँ एच ए में क्या है, प्री रिक्विजिट, PRE
PREQUSITE, प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट के स्पेलिंग गलत है, कोई प्रॉब्लम? रिक्विजिट्स जो भी है क्या होता है, सेम बॉक्स होना चाहिए, ठीक है? सेम बॉक्स, सेम BOX, सेम बॉक्स, सेम OSVRSION, ठीक है? सेम OS वर्जन, सेम LICENSE, सेम लाइसेंस, लाइसेंस के स्पेलिंग गलत है, सेम का स्पेलिंग भी गलत है, सेम SAME, सेम OS वर्जन, सेम लाइसेंस, ठीक है? और अब जिस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मतलब ये भी यह ध्यान रखिएगा कि मैं इंटरफेस लेवल पे यहाँ पे जिसको ये ईचे बना रहा हूँ, ठीक है? अगर छः कोई जो बना उसमें भी छः ईचे बनाऊँ, ठीक है? तो इंटरफेस लेवल पे, और मिनिमम टू MX मैक्सिमम 4 इंटरफेस चाहिए होता है, INTERFACE इंटरफेस चाहिए होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 इंटरफेस चाहिए होता है ईचे के लिए, ठीक है? अच्छा, अब देखो फिर चले जाते हैं ईचे में कैसे कॉन्फ़िगर करो भाई। आपका डिवाइस में ईचे टैब में जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद जेनरल में जाना है, यहाँ पे एडिट करके मुझे एज इनेबल को एज में करना है, ग्रुप आईडी देना है, ठीक है? उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं, नाउ आई एम व्हाट मोड आई एम गोइंग टू, एक्टिव 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 पैसिव में करना है। फिर PR1 एड्रेस, PR2 एड्रेस, ये क्या है? PR1 एड्रेस और PR2 का एड्रेस, ठीक है? ये PR1 देना है, बैकअप PR एड्रेस अब दे सकते हो, ये की है मतलब दूसरे भाई का एड्रेस, ग्रुप आईडी देना है, ग्रुप आईडी क्या है, कौन सा ग्रुप में एच बनाओगे तो एक ग्रुप होगा ना दोनों बंदे का। अच्छा, मोड क्या होगा, एक्टिव है एक्टिव पैसिव, ठीक है? ये आपको बताना पड़ेगा हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास। उसके बाद ओके करना होगा, नेक्स्ट एक्टिव पैसिव सेटिंग्स, ठीक है? ये कभी कभी शट डाउन रहता है, कभी कभी ऑटो रहता है, ठीक है? तो ये प्रेफर्ड रहता है शट डाउन, ठीक है? और ये मॉनिटर होल्ड डाउन टाइम 1 मिनट, इससे नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सेट करोगे। उसके बाद इलेक्शन सेटिंग्स में देखो दो ऑप्शंस होते हैं, डिवाइस प्रायोरिटी, डिवाइस प्रायोरिटी क्या होता है, लोअर प्रायोरिटी हायर प्रेफरेंस, ठीक है? डिवाइस प्रायोरिटी LOW, लोअर PRIORITY, हायर PREFERENCE, लोअर प्रायोरिटी हायर प्रेफरेंस, HIGH होगा, HIGH या हायर प्रेफरेंस, एंड हायर प्रायोरिटी लोअर प्रेफरेंस, ठीक है? मतलब जिसका हायर प्रायोरिटी लो, हायर अरे भाई PRIORITY LOW या लोअर PREFERENCE प्रेफरेंस, ठीक है? मतलब अगर जिसके पास 100 होगा और जिसके पास 150 होगा, 100 एक्टिव बनेगा, 150 पैसिव बनेगा, ठीक है? व्हाई वी आर गोइंग टू यूज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का पूछेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिमिटिव। देखो ये बेसिकली होता है एक्टिव को एक्टिव रखने के लिए फेलओवर के बाद, प्रिमिटिव इन पालो ऑल्टो, देखा? तो ये आपको बोल देगा किस लिए प्रिमेटिव हम लोग यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो प्रिमेटिव रहता है, ठीक है? एक ही में इनेबल करना होता है, दोनों में नहीं। अब हार्ट बीट बैकअप चाहिए तो ले सकते हो, और ईच सेटिंग्स एस्केलेशन, ये देखो रिकमेंडेड एग्रेसिव तो रिकमेंडेड रख सकते हो, एग्रेसिव रख सकते हो, या एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे देखेगा। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये प्रिमेटिव टाइम होल्ड कितना है, 1 मिनट, ठीक है? तो ये भी एक चीज है, एडवांस में जाके आपको मिलेगा ये, ठीक है? नाउ कैंसिल हो गया। अब आते हैं एचए का, थोड़ा बड़ा है इसका, मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और ट्रैवल शूटिंग के लिए। एचए लिंक क्या होता है, एचए बैकअप लिंक क्या होता है, एचए 1 क्या होता है, कंट्रोल लिंक एंड डेटा लिंक क्या होता है। अच्छा, कंट्रोल लिंक में आपको बताना पड़ेगा, एचए कॉन्फ़िगरेशन में 15 मिनट लग जाता है, ये बहुत अच्छे से बना है वीडियो, ठीक है? मैनेजमेंट कर सकते हो या इंडिविजुअल इंटरफेस ले सकते हो, ठीक है? अगर इंडिविजुअल इंटरफेस लिए तो आपको वहाँ पे ये L3 इंटरफेस है, इसमें IP मैंडेटरी है,
ठीक है, डेटा लिंक में आप आईपी ना दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एल टू इंटरफेस है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एचए में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो सीनियर लेवल पे पूछा जाता है, ट्रैवल शूट कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा। ठीक है, तो यही अभी तक एचए के लिए है, तो मैं और भी लिंक मोटर पाथ मोटर बहुत कुछ है अभी, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है पालो ऑल्टो को एक दिन में कवर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, पढ़िए, आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए, भारत को। जय हिंद।